नमस्कार, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और रणवीर कपूर की शादी को एक साल हो चुके हैं। 14 अप्रैल 2022 को आलिया और रणवीर ने साथ फेरे लिए और दोनों एक दूजे के हो गए। वहीं आज आलिया और रणवीर की पहली शादी की सालगिरह है। इस खास दिन को याद करते हुए आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर रणवीर के साथ कुछ फोटो शेयर की हैं। उन्होंने पहली फोटो अपनी हल्दी सेरेमनी की डाली है, वहीं दूसरी फोटो उस वक्त की है जब रणवीर कपूर ने आलिया भट्ट को प्रपोज किया था। वहीं थर्ड फोटो में आलिया और रणवीर रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। इस फोटो के साथ आलिया भट्ट ने कैप्शन लिखा, हैप्पी डे। वहीं इसी के साथ आलिया और रणवीर को उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी पे बॉलीवुड स्टार से लेकर उनकी फैमिली के सभी लोग विश कर रहे हैं। इस खास दिन पर आलिया भट्ट की माँ सोनी राजदान और रणवीर की माँ नीतू कपूर ने भी इन दोनों को खास अंदाज में विश किया। आलिया भट्ट की माँ सोनी राजदान ने अपने इंस्टाग्राम पर आलिया और रणवीर की शादी की कुछ फोटो शेयर की हैं। सोनी राजदान ने कपल को बधाई दी और लिखा, पिछले साल इस खास दिन पर मेरी स्वीट हार्ट ने अच्छे बुरे हर समय के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। हैप्पी एनिवर्सरी यू टू, तुम दोनों को एक शानदार सफर के लिए शुभकामनाएं। वहीं नीतू कपूर ने भी आलिया और रणवीर को शादी की सालगिरह पर बधाई दी। नीतू ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर आलिया और रणवीर की शादी की एक फोटो शेयर की, जिसमें कैप्शन में लिखा, प्यारे और खूबसूरत कपल को हैप्पी एनिवर्सरी, मेरा प्यार और शुभकामनाएं। वहीं इसी के साथ रणवीर कपूर की बहन रिधिमा कपूर साहनी ने आलिया और रणवीर की पहली सालगिरह पर बधाई दी। रिधिमा ने लिखा, राहा की मम्मी और डैडी को पहली सालगिरह मुबारक। बता दें, आलिया और रणवीर की पहली एनिवर्सरी इसलिए बेहद खास है क्योंकि एक साल के अंदर ही दोनों की लाइफ में नन्ही बेटी राहा भी आ चुकी है। बोल्ड स्काई की तरफ से भी आलिया और रणवीर को हैप्पी एनिवर्सरी। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही हमारे चैनल बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।